इस वीडियो में हम डेमोक्रेटिक पीस थियरी या डेमोक्रेटिक पीस थीसिस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूँगा। एनटीए नेट जेआरएफ के एग्जाम्स और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहाँ हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर कर रहे हैं। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का हमारा ये ऑनलाइन कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक पीस थियोरी या डेमोक्रेटिक पीस थीसिस। वॉर और पीस इंटरनेशनल रिलेशंस के दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के आप किसी भी डोमिनेंट अप्रोच को ले लें, फिर चाहे वो रियलिज्म हो या लिबरलिज्म, हर अप्रोच में हम बेसिकली इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं कि किन सिचुएशंस में या किन कंडीशंस में कंट्रीज के बीच वॉर होता है और किन सिचुएशंस या किन कंडीशंस में कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर पीसफुली कोएग्जिस्ट करती हैं। मतलब वॉर और पीस के पीछे मौजूद कॉजल फैक्टर को ढूंढना इंटरनेशनल रिलेशंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। रियलिज्म के अकॉर्डिंग कंट्रीज के बीच होने वाले वॉर के लिए इंटरनेशनल सिस्टम का एनार्किक नेचर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है जो कि कंट्रीज के बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट कर सके और एक कंट्री को दूसरे कंट्री से प्रोटेक्ट कर सके। तो कंट्रीज को अपने सिक्योरिटी और सर्वाइवल को खुद ही इंश्योर करना होता है, और अगर अपने सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कंट्रीज को वॉर का सहारा लेना पड़े तो कंट्रीज ऐसा करने में कतराती नहीं है। तो जहां रियलिज्म कंट्रीज के बीच होने वाले वॉर के लिए इंटरनेशनल सिस्टम के एनार्किक स्ट्रक्चर को कॉजल फैक्टर मानता है, वहीं लिबरलिज्म में ये क्लेम किया जाता है कि दो कंट्रीज के बीच वॉर होगा या वॉर नहीं होगा, ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। मतलब दोनों कंट्रीज में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद है, दोनों कंट्रीज के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का नेचर क्या है। लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग अगर दो कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक हैं, मतलब अगर दो कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं, तो इनके बीच वॉर की संभावना मिनिमम होगी। लेकिन अगर दो कंट्रीज नॉन डेमोक्रेसी हैं या ऑटोक्रेटिक हैं, या एक कंट्री डेमोक्रेसी दूसरा कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है, तो इनके बीच वॉर की संभावना अधिक होगी। लिबरलिज्म के इसी क्लेम को, जहां ये कहा जाता है कि दो डेमोक्रेसीज के बीच वॉर की संभावना ना के बराबर होती है, या डेमोक्रेसीज कभी एक दूसरे से वॉर नहीं करती, दैट मींस डेमोक्रेसीज नेवर गो टू वॉर अगेंस्ट ईच अदर, लिबरलिज्म के इसी क्लेम को डेमोक्रेटिक पीस थियरी या डेमोक्रेटिक पीस थीसिस कहते हैं। आपको एक बात यहाँ याद रखना है कि डेमोक्रेटिक पीस के कॉन्सेप्ट में यहाँ सिर्फ ये कहा गया है कि दो डेमोक्रेसीज कभी एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करती। डेमोक्रेटिक पीस थीसिस में ये नहीं कहा गया है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज कंप्लीटली पीस लविंग होती हैं या डेमोक्रेटिक कंट्रीज कभी भी किसी से फाइट नहीं करती, किसी के साथ वॉर नहीं करती, ऐसा यहाँ पे नहीं कहा जा रहा। ओके, डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी ज़रूरत पड़ने पर दूसरे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ वॉर पे जा सकती हैं, उनसे फाइट कर सकती हैं, लेकिन जब बात दो डेमोक्रेसीज की हो तो यहाँ दैट मीन्स दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच वॉर नहीं होता है, दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच वॉर की संभावना नेग्लिजिबल होती है। तो डेमोक्रेटिक पीस थियरी डेमोक्रेसी और पीस के बीच एक कॉजल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है, जहां पर डेमोक्रेसी का मतलब है वैसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां रेगुलर बेसिस पर फ्री और फेयर इलेक्शंस होता हो, जहां मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हो और हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में जीतने की संभावना होती हो, जहां वोटिंग राइट सोसाइटी के लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल के पास हो, और जहां लोगों के पास बेसिक सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हो जिन्हें उस कंट्री में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी किया जाता हो। इसी तरह पीस का मतलब है एब्सेंस ऑफ वॉर, और वॉर का मतलब है दो कंट्रीज के बीच होने वाला ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट जिसमें दोनों कंट्रीज की मिलिट्री इन्वॉल्व्ड हो और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट में 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो। ये वॉर का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। तो डेमोक्रेटिक पीस थियरी में डेमोक्रेसी और पीस का ये मतलब होता है। डेमोक्रेटिक पीस थियरी में डेमोक्रेसी और पीस के बीच जो कोरिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है और जो क्लेम किया जाता है कि डेमोक्रेसीज डू नॉट गो टू वॉर विथ ईच अदर, आपको समझना है कि ये क्लेम कोई नॉर्मेटिव क्लेम नहीं है। मतलब ये क्लेम मात्र एक कथन नहीं है, मात्र एक हाइपोथेसिस नहीं है कि डेमोक्रेसीज डू नॉट गो टू वॉर अगेंस्ट ईच अदर। ये क्लेम एक एम्पिरिकल क्लेम है,
मतलब डेमोक्रेटिक पीस थियरी का फंडामेंटल आइडिया कि डेमोक्रेसीज डू नॉट गो टू वॉर अगेंस्ट ईच अदर, ये बेसिक आइडिया ऑब्जर्वेशन फैक्ट और एविडेंस पर बेस्ड है। कैसे? देखिए, कंट्रीज के बीच होने वाले वॉरफेयर के हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पॉलिटिकल साइंटिस्ट जे डेविड सिंगर के द्वारा 1963 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिस प्रोजेक्ट का नाम था कोरिलेट्स ऑफ वॉर प्रोजेक्ट। कोरिलेट्स ऑफ वॉर प्रोजेक्ट 1816 से कंट्रीज के बीच होने वाले वॉरफेयर की हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट कर रहा है। कोरिलेट्स ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के डेटाबेस के अकॉर्डिंग 1816 से 1991 के बीच कंट्रीज के बीच कुल 353 छोटी बड़ी वॉर्स हुई हैं। इनमें से 155 वॉर ऐसी हैं जहां पर एक डेमोक्रेटिक और एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन्वॉल्व थी। वहीं 198 वॉर्स ऐसी हैं जहां पर दो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन्वॉल्व थी। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी वॉर्स में, इन 353 वॉर्स में एक भी वॉर ऐसा नहीं था जहां पर दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन्वॉल्व थी। एक भी वॉर ऐसा नहीं था जो कि दो डेमोक्रेसीज के बीच हुआ हो। तो इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन और स्टैटिस्टिकल डेटा भी डेमोक्रेटिक पीस थियरी के फंडामेंटल क्लेम को सही प्रूव करते हैं। लेकिन क्या हम डेमोक्रेटिक पीस थियरी को सिर्फ इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर सही मान सकते हैं, या डेमोक्रेटिक पीस थियरी के क्लेम को सपोर्ट करने के लिए और भी कई स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम डेमोक्रेटिक पीस थियरी के आइडिया के हिस्ट्री को थोड़ा समझ लेते हैं। डेमोक्रेटिक पीस थियरी का कोर आर्ग्यूमेंट जर्मन एनलाइटनमेंट फिलोसोफर इमैनुअल कांत के परपेचुअल पीस के आइडिया से बोरोड है। 1795 में इमैनुअल कांत ने अपनी आर्टिकल परपेचुअल पीस में सबसे पहले ये आर्ग्यू किया कि रिपब्लिक्स एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करती। यहां पर आपको एक बात समझना है कि अपनी आर्टिकल परपेचुअल पीस में इमैनुअल कांत ने डेमोक्रेसीज की बात नहीं की थी। इमैनुअल कांत ने कहा था कि रिपब्लिक्स एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करती, एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर पे नहीं जाती। कांत के लिए रिपब्लिक का मतलब था ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो कि सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पर बेस्ड हो और जहां की गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। इमैनुअल कांत के इसी परपेचुअल पीस के आइडिया को 1980s के दशक में इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स के द्वारा डेमोक्रेटिक पीस थियरी के रूप में डेवलप किया जाता है। कांत के इस आइडिया से इंस्पायर्ड होकर माइकल डॉयल सबसे पहले 1986 में डेमोक्रेटिक पीस थियरी के आइडिया को प्रपोज करते हैं। इसके बाद 1993 में ब्रूस रसेट डेमोक्रेटिक पीस थियरी के आइडिया को फर्दर डेवलप करते हैं। ये सभी स्कॉलर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में लिबरलिज्म के ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं और इन स्कॉलर्स के द्वारा डेमोक्रेसी को इंटरनेशनल पीस के एक कॉजल फैक्टर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। मतलब इन स्कॉलर्स ने ये एक्सेप्ट किया कि डेमोक्रेसी लीड्स टू इंटरनेशनल पीस। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल पीस के बीच सच में एक कॉजल रिलेशन है? इज इट रियली सो दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू इंटरनेशनल पीस? अलग अलग स्कॉलर्स इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आंसर करते हैं। रियलिस्ट स्कॉलर्स और डेमोक्रेटिक पीस थियरी के क्रिटिक्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी और पीस में कोई कॉजल रिलेशन नहीं होता। इनका कहना है कि ये बात सही है कि डेमोक्रेसीज के बीच ना के बराबर वॉर हुई है, लेकिन डेमोक्रेसीज के बीच वॉर नहीं होने के पीछे कई और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर दो कंट्रीज का लाइक माइंडेड होना। क्योंकि अगर दो कंट्रीज लाइक माइंडेड हैं तो फिर वो डेमोक्रेसी हो या नॉन डेमोक्रेसी हो, उनके बीच वॉर नहीं होगा। लेकिन लिबरलिज्म और डेमोक्रेटिक पीस थियरी के सपोर्टर्स इन सभी क्रिटिसिज्म्स को रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल पीस के बीच एक कॉजल रिलेशन एग्जिस्ट करता है। डेमोक्रेटिक पीस के इस थियरी या इस थीसिस को प्रूव करने के लिए लिबरल स्कॉलर्स कई आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। इन सभी आर्ग्यूमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट और नॉर्मेटिव कल्चरल फैक्टर्स। स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स के अंतर्गत आने वाले आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच वॉर नहीं होने के पीछे एक फंडामेंटल रीजन ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक ओपिनियन से बंधी होती है, और अगर सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, अगर क्वेश्चन कंट्री और कंट्री में रहने वाले लोगों के सर्वाइवल का नहीं हो, तो नॉर्मली सिटीजन्स वॉर को सपोर्ट नहीं करती हैं। कोई भी वॉर हो, वॉर अपने साथ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस और ह्यूमन लाइफ के लॉस को लेकर आता है, और इन सभी लॉसेस को एक
कंट्री के कॉमन सिटीजन्स आम नागरिक को ही सफर करना पड़ता है। इसलिए लोगों का प्रेफरेंस पब्लिक ओपिनियन जो है वो वॉर के अगेंस्ट होता है, नॉर्मल टाइम में ये वॉर के अगेंस्ट होता है। अब एक डेमोक्रेसी में क्योंकि जो लीडर्स हैं वो पब्लिक ओपिनियन से बंधे होते हैं, इसलिए इन लीडर्स के लिए पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट जाकर वॉर से रिलेटेड डिसीजन लेना ये डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा डेमोक्रेसीज में जो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म होता है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म में कई इंस्टीट्यूशंस जुड़ी होती हैं जो कि एक दूसरे को चेक और बैलेंस करती हैं। अगर आप एक ऑटोक्रेटिक कंट्री या एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को देखें तो इन कंट्रीज में डिसीजन लेने का पावर एक सिंगल लीडर या एक स्मॉल ग्रुप के पास कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए वॉर से रिलेटेड डिसीजंस इन कंट्रीज में आसानी से ले लिए जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसीज में फाइनल डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। फाइनल डिसीजन को लेने में कई इंस्टीट्यूशंस, कई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए डेमोक्रेसीज में वॉर में जाने जैसे किसी भी तरह के ड्रास्टिक डिसीजन को लेने की संभावना ना के बराबर होती है। डेमोक्रेटिक पीस थियरी को सपोर्ट करता हुआ दूसरा सेट ऑफ रीजन है नॉर्मेटिव और कल्चरल फैक्टर्स। यहाँ ये आर्ग्यू किया जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक कॉमन डेमोक्रेटिक कल्चर को शेयर करती हैं। इस डेमोक्रेटिक कल्चर का एक कोर एलिमेंट होता है कंसल्टेशन, कंसिलिएशन और नेगोशिएशन। किसी भी तरह के डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज नेगोशिएशंस, कंसल्टेशंस और बातचीत का रास्ता चुनना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, इसलिए इन कंट्रीज के बीच वॉर की संभावना कम होती है। अब क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीसफुल नेगोशिएशंस और कंसल्टेशन के ट्रेडिशन पर बिलीव नहीं करते, इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को हमेशा सस्पिशन से देखते हैं, और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट होने पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के सामने इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से वॉर करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। डेमोक्रेटिक पीस थियरी के सपोर्ट में इन आर्ग्यूमेंट्स को समझने के बाद हमारे लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि अगर डेमोक्रेटिक पीस थियरी सही है और हकीकत में डेमोक्रेसी और पीस के बीच एक कॉजल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, हकीकत में ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू इंटरनेशनल पीस, तो डेमोक्रेटिक पीस थियरी का वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्या इम्प्लिकेशन होगा? ऑप्टिमिस्ट ऑब्जर्वर का मानना है कि जैसे जैसे दुनिया में डेमोक्रेसी स्प्रेड होगी और डेमोक्रेटिक कंट्रीज की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे दुनिया और अधिक पीसफुल होता चला जाएगा। मतलब डेमोक्रेसी का स्प्रेड अपने साथ वर्ल्ड पीस, इंटरनेशनल पीस लेकर आएगा। लेकिन कुछ पेसिमिस्ट ऑब्जर्वर्स भी हैं जिनका कहना है कि डेमोक्रेसी से होने वाला जो फ़ायदा है, ये फ़ायदा कुछ चुनिंदा डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कुछ चुनिंदा एस्टैब्लिश्ड और पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्रीज तक ही सीमित रहता है। इन कंट्रीज के बीच पीस एग्जिस्ट करता है, स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करता है, लेकिन दुनिया की जो बाकी कंट्रीज हैं जो कि डेमोक्रेसीज नहीं हैं या जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज नहीं हैं, उनके बीच वॉर की संभावना हमेशा बनी रहेगी और ये कंट्रीज वॉर की समस्या से हमेशा जूझते रहेंगे। इसलिए इन ऑब्जर्वर्स का कहना है कि जब तक दुनिया की पावरफुल और एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज डेमोक्रेसी प्रमोशन को सीरियसली नहीं लेती और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में डेमोक्रेसी के एस्टैब्लिशमेंट और कंसोलिडेशन के लिए इफेक्टिव और सीरियस स्टेप्स नहीं लेती, तब तक वॉर की समस्या को दुनिया से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता।